करीम का महीना है तो इसमें बहुत मजेदार सी चीजें बनाई जा रही है। आज हमने सहरी में खाने के लिए बनाया मजेदार सा चीज पराठा। ये किस तरह से तैयार किया गया आपको मैं ये अंदर से भी दिखा देती हूँ। कितनी जबरदस्त, ये देखिए चीज इसके अंदर मेल्ट हुई हुई है। ये जानने के लिए रेसिपी किस तरह से तैयार की गई, चलिए किचन क्लोजर में क्रिस्पी क्रंची चीज पराठा किस तरह से बनाया जाता है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। रमजान करीम के महीने में सहरी की एक और मजेदार सी रेसिपी लेकर किचन क्लोजअप आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले तो हमें डो बनाना होगा। डो बनाने के लिए मैंने फाइन आटा लिया था, उसमें नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह करके डो बना लिया था और एक घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसका बनाएंगे चीज पराठा। चीज पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह करके एक पेड़ा ले लेना, ये देखिए, और इसका एक गोल सा यूं करके घुमाकर इस तरह करके ये देखिए पेड़ा बना लेना, ये देखिए। ठीक है जी, अब इसको हम बेलते हैं। बाद अब मैंने बटर की मदद से पूरे पैचे से बटर को इवनली स्प्रेड कर देना है। अगर बटर नहीं है तो फिर आप घी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो चीज आपके पास मौजूद हो अब उस चीज का इस्तेमाल करके चीज को बनाया करें। चले अच्छे से हमने मक्खन को सब जगह लगा दिया। चीज का स्लाइस था मेरे पास, अब ये रख देंगे इसके ऊपर। अब हमने क्या करना होगा, हल्का सा आटा डस्ट कर देंगे। फाइन आटा लिया मैंने, अगर आपके पास चक्की का आटा है उससे भी बना सकते हैं। चले अब हमने इसको इस तरह करके स्क्वायर शेप दे देनी है, इस तरह दे देखिए। ठीक है, बहुत सिंपल और इजी सा पराठा, खाने में लाजवाब बनता है। चले अब इसको हम बेल लेते हैं। इसकी चकोर शेप बना लिए इस तरह करके पराठे की। अब हम इसे तवे पे डालते हैं। चले जनाब, गर्मा गर्म सा तवा है हमारा, अब तवे पे हम अपना चीज पराठा डाल देते हैं। चले हल्का हल्का सा बटर हमने ले लेना है और वो इसको ब्रश की मदद से लगाते जाएंगे इसके ऊपर। खुशबू हमारे किचन में आ रही है, पूरा किचन महक गया। और आप कलर देखिए क्या जबरदस्त हमारे पराठे का आया है। चले जी, इसको आपने अच्छे से हल्की आंच पे यानी कि मीडियम हीट पे आपने इसको सेकना होगा, तेज आंच ना कर दीजिएगा। चीज भी हमारी अंदर से पराठे में खूब मेल्ट हो गई है जबरदस्त सी, और पराठा भी जबरदस्त सा सिक चुका है। क्या जबरदस्त सी चीज हमारी पराठे में मेल्ट हो रही है, देखें कितना जबरदस्त सा पराठा लग रहा है। देखें, चले इसे हमने फ्राई अच्छे से
सेक लिया है, अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इंतजार किस बात के, सैरी में बनाइए और इसको एंजॉय करिए। वीडियो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया करें। चलिए जी, आपसे इजाजत चाहूंगी। रमजान करीम की इस पाक पाक सी रातों में हम सबको याद रखेगा दुआ में अल्लाह।